भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा पूरा किया था। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का ऊर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की पीसी, जम्मू कश्मीर में बजेगा चुनावी बिगुल। और इस पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर जुड़े हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज सकता है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की पीसी होने वाली है। क्या कुछ बातें निकलकर आ सकती है सामने, क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्या कुछ ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, ऐलान चुनाव के घोषणाओं की ऐलान होगी, चुनाव के जो डेट होते हैं उसके अनाउंस किए जाएंगे। और आज 3 बजे इन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होनी है उनका अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और चुनाव आयोग अपनी पूरी जो उनका जो शेड्यूल है वो इस बात की जानकारी देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर के जो डेट्स आ गए आ सकते हैं आज 3 बजे, और चुनाव की घोषणा किए जा सकते हैं। जो सोर्सेस की खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में हो सकते हैं और हरियाणा में 1 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए जो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो है यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, तो वहाँ पर चुनाव करवाने के लिए जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए उसमें बड़ी मुश्किलें होगी। लेकिन चुनाव आयोग कटिबद्ध है और ये चाहते हैं कि इस पर चुनाव हो जाए जल्द से जल्द, और इसकी डेट जो है आज सुनाई देगी। लेकिन हरियाणा में उस तरह की स्थिति नहीं है, हरियाणा में स्थिति सामान्य है, जो जैसे और भी स्टेट में है, तो वहाँ चुनाव आयोग को मुश्किलें नहीं होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिक्कतें हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को थोड़ी मुश्किलें होगी। और यही कहा जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।